बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में मुट्ठी कबाब बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हुए, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि मुट्ठी कबाब को बनाने के लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। आज मैं मुट्ठी कबाब जो है वो बीफ के साथ बना रही हूँ। आप इसको चिकन और मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये मैंने 2 किलो जो है वो बीफ का कीमा ले लिया है, 1/2 kg से थोड़े ज्यादा मैंने प्याज ले लिए हैं और उनको इस तरह सेंटर से दो कर लिया है। प्याज की क्वांटिटी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1/2 kg से थोड़े ज्यादा लिए हैं। इसके बाद हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया, 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसके साथ मेरे पास फ्रेश जो है वो धनिया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो सब्ज धनिया को सुखाया हुआ था घर पे, मैंने सूखा हुआ धनिया लिया है क्योंकि मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है, तो आप फ्रेश इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने चाट मसाला लिया है 2 खाने के चम्मच, आप किसी भी अच्छी कंपनी का चाट मसाला ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर हमने लिया है 2 खाने के चम्मच, 1 चम्मच मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लिया, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेने हैं, और 3 खाने के चम्मच जो है वो मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। इसके साथ हम 1 लीमू का रस भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से चॉपर में मिक्स करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक चॉपर ले लिया है। चॉपर के अंदर अब मैं क्या करूंगी, कीमा और प्याज वगैरह मैं शामिल करूंगी थोड़े थोड़े करके, क्योंकि चॉपर जो है वो मेरे पास नॉर्मल क्वांटिटी का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे मैंने अभी रख लिए हैं। 3 हरी मिर्चें फिल वक्त ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने पूरे मिक्सचर को 2 हिस्सों पर डिवाइड कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो कीमा लिया ये ऑलरेडी बहुत ड्राई है, मजीद इसके साथ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चॉपर को यहां से कर लिया बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह मैं सारे कीमे को चॉप कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो कीमा है वो चॉपर में से निकाल लिया। अभी मेरे थोड़े से हाथ गंदे हैं, क्योंकि मैंने हाथ की मदद से चॉपर में से कीमा और प्याज हरी मिर्चों को मिक्स कर लिया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ड्राई ड्राई सा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये सारे मसाले शामिल करेंगे। तो गर्म मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, धनिया, चाट मसाला, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब साथ में हम क्या करेंगे, इसके अंदर नींबू शामिल करेंगे। तो मैंने नींबू को यूं कट कर लिया सेंटर से, पूरा हमने इसका रस निकाल लेना है। चलिए अब हम तमाम चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मसाला है कीमे वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और चलिए व्यूअर्स, अब आपको पता लग गया होगा कि हमने इसको किस तरह बनाया, और बनाने के बाद हमने कुछ देर इसको 1 घंटा जो है वो डीप फ्रीजर में रख दिया था, ताकि ये फ्रीज हो जाएं, ठहर जाएं। जरूरत नहीं है, आप इसको फ्रेश भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो कबाब मुट्ठियां वाले कबाब ले लिए, आपने इसको सिंपल मुट्ठी में रखकर यूं करना और इसकी एक शेप बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी मुट्ठियां कबाब जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जिस तरह भी आपको मुनासिब लगते हैं तो आप कर सकते। इसके साथ मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को छील कर मैं चॉप कर लूंगी चॉपर में। आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में जो है वो पीस भी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं इसको चॉप कर लूंगी। इसके साथ हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको साबुत भी डाल सकते हैं और चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, हल्दी 1/2 खाने का चम्मच, नमक 1/2 खाने का चम्मच, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है, सुरख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, और धनिया पाउडर जो है हमने लिया है 1/2 खाने का चम्मच। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
इसके लिए ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर अब हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल करेंगे। तकरीबन हमने हाफ कप जो है वो ऑयल डाल दिया इसके अंदर। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर कबाब को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके अपने मुठियां कबाब जो है इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको पकड़कर अच्छे से ऑयलिंग करेंगे इसकी। इस तरह से ये टूटते नहीं है। ये देखें, अभी मैंने चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया था, जस्ट मैंने इसको हवा में अपनी जगह से हिलाया और ये अच्छे से अपनी जगह से हिल गए। अब इस तरह सीधा चम्मच लूंगी और इनको पलटूंगी। बस हमने इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब ये गोल्डन हो चुके हैं, मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह के कलर के थे गोल्डन, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब हम इसके अंदर, ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो डाल दिया, तकरीबन हाफ कप के करीब। और अब हम इसमें क्या करेंगे, चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इसमें प्याज जो है चॉप किया हुआ शामिल कर दिया है। अब साथ साथ हम इसके चम्मच चलाते जाएंगे। प्याज को हमने बस हल्का सा गोल्डन करना है, जैसे ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज की क्वांटिटी भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके नीचे ग्रेवी रखनी है, इसलिए मैंने दो प्याज का इस्तेमाल किया। ये देखें व्यूअर्स, आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि लाइट लाइट गोल्डन कलर जो है वो आने लग गए। हम मजीद इसे एक मिनट जो है वो फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसके ऊपर अब अच्छे से जो गोल्डन कलर है वो आ चुका है, लाइट गोल्डन कलर। तो अब हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भूनेंगे। अब साथ में हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, साथ में हम चॉप किया हुआ टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मजीद आधा मिनट जो है वो भून लेंगे। जैसे ये मसाला भुना जाएगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब ये अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम नमक मिर्च शामिल करेंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी मैंने छोड़ दिया, उसको हम लास्ट पे डाल लेंगे। इसको अब हमने अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी का, ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी जो है वो शामिल किया है। अब हम इसको कुछ सेकंड पकाने के बाद पूरा जो ग्लास है एक पानी का भर के शामिल कर देंगे। ये देखें, मसाले ने घी छोड़ दी है, अब ये अच्छे से भून चुका है, हमने इसको भून लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने कबाब जो हैं इसके अंदर रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एक ग्लास जो है वो भरकर पानी का इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आंच को जो है वो धीमा करूंगी। अब जो फ्लेम है उसको हम मीडियम कर देंगे और इसको ढांक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह से अब मैंने इसको ढांक कर छोड़ दिया है, मीडियम फ्लेम हमने कर दिया है। अब वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे जब तक इसका पानी ना खुश्क हो जाए। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, पानी जो है हमारा
वो ऑलमोस्ट जो है आधा हो चुका है। हमारा जो सालन है वो पककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। आप चाहें तो इसको मजीद थोड़ा सा जो है वो सुखा सकते हैं, जो इसका शोरबा है इसको कम कर सकते हैं, मगर मैं इसी तरीके से जो है इसको सर्व करूंगी। हमारा सालन पककर तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आज की हमारी जो रेसिपी है वो यहीं कंप्लीट होती है। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह कल एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।